शुरू हो गया क्या? ओ आई एम सो सॉरी सॉरी। वो गौरी दीदी ने मेरे लिए इतना टेस्टी सैंडविच बनाया था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाए। एनीवे, अ बिग हैप्पी हाय टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय शो टॉफी विद श्लोका। यू नो गाइस व्हाट, आई लव डॉल्स, स्पेशली बार्बी डॉल्स। मैं उनके साथ ढेर सारी बातें शेयर करती हूँ और कभी कभी उनकी फनी हेयर स्टाइल्स भी बनाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं डॉल्स के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज जो मेरे शो पर आने वाली है वो बिल्कुल डॉल जैसी है। वेलकम टू माई शो टॉफी विद श्लोका। आज हम सिर्फ आपके बचपन के बारे में बात करने वाले हैं। आपके बचपन के बारे में बात? हाँ, मेरे भी बचपन के बारे में। तो आप ये टॉफी लीजिए और इस पर हाथ रख के कहिए, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। इस टॉफी पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। ये आप स्कूल डेज में कैसे थे? बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में उतनी डफर थी। तो मतलब वो यू नॉटी, आप टीचर की पेट थी या क्या? एज अ वेरी शाय स्टूडेंट और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसे लगता था कि मैं कुछ करूँगी तो मुझे डांट देंगी कुछ या कुछ हो, तो मैं उस चक्कर में होमवर्क भी नहीं करती थी। तो मुझे डांट पड़ी जाती थी एंड आई यूज़ टू थिंक दैट व्हाटएवर आई डू आई इट्स रॉन्ग ओनली। बट मैं दिखती अच्छी थी, क्यूट थी और जिस तरह से बात करती थी ना, तो मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसे पिघल जाते थे, हेल्प करते थे, मुझे कुछ नहीं कहते थे। That's a great benefit. है ना? Yeah. Looks का हमेशा फायदा उठाया है मैंने बेटा। आपके स्कूल का नाम क्या था? जेबी खोत हाई स्कूल। और आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? I used to like दौने सर, ड्राइंग टीचर थे मेरे, और एक दुर्गा मैम करके थी हमारी। वो कौन सा सब्जेक्ट लेती थी वो तो मैं भूल गई, लेकिन आई यूज टू लव देम। Can you imitate one of your teachers? धोनी सर जो थे ना वो मराठी थे, तो ऐसे देखते थे ए क्या रे ऐसे करके बात करते थे, ए इधर आने का बोला ना मैडम, मैंने बुलाया इधर आने का ना। और एक हमारी जो दुर्गा मैम थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो पढ़ाती कम थी, उनके ना गले में कुछ ना कुछ तो रहता, तो वो ऐसे बार बार ऐसे खींचती रहती थी, पर वो आधा टाइम पढ़ा नहीं पाती थी उस चक्कर में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। तो आपके स्कूल में जब आपका बर्थडे होता है तो हाउ डिड यू सेलिब्रेट इट? टॉफीज देती थी और टीचर को जाके चॉकलेट्स देती थी। मेरी एक टीचर थी, मैं उनका नाम भूल गया, स्ट्रिक्ट थी लेकिन मुझे बहुत पसंद करती थी, मतलब हमेशा कहती थी बेटा जितनी सुंदर दिखती हो उतना थोड़ा पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान देती हो तुम, और मैं हमेशा ऐसे स्माइल करती थी क्योंकि उनकी बातें मुझे तभी भी ध्यान नहीं आता था। वो मुझे हमेशा टॉफी देने जाओ ना तो टॉफी मत दे, सिर्फ मेरी नोटबुक्स कंप्लीट करके ले आया कर, एंड शी यूज्ड टू रिटर्न माय टॉफी। कुछ सालों बाद जब मैं बन गई थी कुछ, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे बुलाया था, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि बचपन में ना टॉफी खिलाई ना मेरी नोटबुक कंप्लीट की, लेकिन अच्छा काम कर रही हूँ हमेशा, अच्छा ऐसे ही करना एंड बी फोकस्ड व्हाट यू डू। दैट्स रियली नाइस। मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया और मे बी शायद वहाँ से भी शिफ्ट हो गई होगी। साइंटिस्ट बनने का उसे बहुत शौक था एंड वेरी प्रोटेक्टिव, कोई ऐसे इर्द गिर्द देख भी ले तो उसे पसंद नहीं आता था। एंड शी यूज़ टू टेल मी माई रियल नेम इज शिवानी। तो वो ऐसे गुंडी टाइप की थी लेकिन दिखने में आप ही की तरह सुंदर और क्यूट, और उसके भी डिम्पल आते थे। उसका नाम उर्वी पारेख था। एंड फ्रेंड्स के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है, वो मुझे उसके साथ रहने के कुछ साल बाद जब वो चली गई, वंस यू क्लियर योर टेंथ और आप अपने अपने अलग रास्ते पे चले जाते हो, दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट कि व्हाट शी मेंट। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसने इतनी अच्छे तरीके से टेक केयर की दैट आई स्टिल मिस हर। उसके साथ ना तफरीगिरी बहुत मारते थे हम। तफरीगिरी मतलब? तफरीगिरी मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घर पे बोलते थे पढ़ने जा रहे हैं, कंबाइंड स्टडी जिसे आप कहते हैं, फिर वहाँ से सीधा हम लोग रेडी होके निकलते थे। उसके घर के ठीक बाहर एक चाय वाला रहता था जिसके पास अच्छा सा खाने पीने की दो तीन चीज़ें मिल जाती थी, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे घूम फिर के, यू नो जैसे गुजराती में बोलते हैं चौवट, ओ और हम कहते हैं गॉसिप,
ऐसे थोड़ा सा ऐसे घूम फिर के आते थे, गॉसिप गर्ल्स, हाँ, और 1.5 घंटा 2 घंटा हमारा से बीत जाता था, वो हमारी पढ़ाई होती थी और एग्जाम्स में मार्क्स आते थे बहुत कम। मुझे भी ये तफरीगरी ट्राई करनी चाहिए, आई हैव लर्न्ड समथिंग वेरी नाइस फ्रॉम यू। मुझे डांस का बहुत शौक था तो मैं सिर्फ डांस में ही फोकस रहती थी, ना पढ़ाई में ना किसी चीज में। तो आपका मतलब फेवरेट डांसिंग सॉन्ग कौन सा है, लाइक व्हिच? एवरीवन नोज इन द वर्ल्ड आई ओनली लाइक माधुरी दीक्षित। एंड व्हिच सॉन्ग ऑफ हर? ऑल द सॉन्ग्स ऑफ हर, चने के खेत में से लेके पिया घर आया से लेके 1, 2, 3। सो व्हाई डोंट वी डांस ऑन वन ऑफ द सॉन्ग्स? वी शुड, नो? या बिकॉज़ इवन आई लव माधुरी दीक्षित एंड हर सॉन्ग। चलो फिर डांस करके बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। प्रैक्टिस एवरी डे क्या? नहीं, बस आपसे देख के थोड़ा इंस्पायर हो गया आई डांस ओवर एंड आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू। बचपन में आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे और नेचुरली वो गेम से बहुत मज़ा भी आया होगा, तो आज हम एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जो आपको फिर से बचपन की याद दिलाएगी। अच्छा, क्या है वो गेम? हमारे पास स्टॉप वॉच है और ये पेंसिल्स है। जो सबसे ज्यादा पेंसिल शार्प करेगा 1 मिनट में वो जीत जाएगा। तो फिर तो आप जीत जाओगे ना, आपको तो प्रैक्टिस होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी सब करती है ना, मैं थोड़ी करती हूँ। तो आप क्या करते हो? 1, 2, 3 आओ, मेरी पेंसिल अटक गई। हो गया मेरा एक पेंसिल। Are you serious? That's a cheating. होने आया। आप देखना मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। ये सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। 10 9 आर यू सीरियस? 7 6 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। हो गया, एक और नहीं हुआ मेरा। सब दोनों का सेव हुआ, बट आई थिंक शो मी योर्स। नहीं, मेरे में थोड़ा आया है। तो अब हम एक फुल स्पीड सवाल राउंड खेलेंगे जिसमें मैं आपको सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका सही जवाब देना। आर यू रेडी? बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? बर्फ से बने हुए बर्फ के घर को क्या कहते हैं? क्विकली, कम ऑन, इट्स रैपिड फायर। इग्लू। 2003 में क्या खत्म हो गया था? 2003 में खत्म हो गया था, 2003 में क्या खत्म हो गया था? क्विकली 2003 में कुछ खत्म हुआ था। डन, देन यू पास द क्वेश्चन, राइट? ओह, यू नीड टू टेल मी द आंसर। या, द आंसर इज 2002। 2003 में 2002 खत्म हो गया। नॉनसेंस, आई एम नॉट गिविंग यू आंसर। आई विल कम टू दैट लेटर। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? अरे, गुजराती हो यार आप तो। नहीं पता मुझे। मैं, यू हैव टू से मैं कौन हूं। आई स्लीप विद वन आई ओपन। Who am I? Ullu. Wrong. It's dolphin. Oh shit. And who is the chief minister of Gujarat? It's Vijay Rupani. Number one के आगे क्या add करो कि वो गायब हो जाए? Zero. No. It is N. So it will become none. Just add none and then. अगर blue color की hat red sea में गिर जाए तो वो कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? गीली हो जाएगी। अरे, और red sea कहाँ होता है बताओ? होता है कहीं तो, होता है। आई एम नॉट गुड एट ज्योग्राफी। यू आर गुड एट ज्योग्राफी, यू शुड नो दैट। वेरी स्मार्ट।
ये एक थैंक यू कॉल है और आज हम एक थैंक यू कॉल करने वाले हैं। तो बचपन में अगर किसी ने आपकी हेल्प की हो और तब आप उसे अपनी दिल की बात ना बता पाए और उसे थैंक यू ना बोल पाए, तो आज आपके पास एक मौका है जिससे आप उसे थैंक यू बोल सकते हो। अच्छा, ओके। आई वुड वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच वर्षा मैम, आपने मुझे मेरे बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी पर्सनली, और मुझे मेरे जब आप ट्यूशन्स लेती थी तो मेरी वो सारी जो नटखटपन था, शरारतें थी, आपने लेकर मुझे जिस तरह से अपने हर चीज़ों को आपने अप्रिशिएट करके मुझे आगे बढ़ाया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ग्रेट, thank you so much for coming here and spending time with me. I had a great time with you and I enjoyed a lot. Thank you so much for having me. This is a toffee hamper from Truly Scrumptious by Akansha, and this has all your favorite goodies. Thank cookies you. Cookies and whatnot, okay? Thank you so much. मेरे पास आपके एक बचपन की बहुत क्यूट पिक्चर है जिस पर आपको साइन करना होगा। For this truly scrumptious, and I'm sure that I'm going to love it. And that's really sweet of you. And I love chocolates. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कल स्कूल में जाके सबको बताऊंगी कि मैं आपसे मिली और मुझे कितना मजा आया। So thank you so much for being here. Thank you so much. आपने मेरी सारी childhood memory मुझे वापस याद दिला दी, and मुझे पता चला कि मैं कितनी scholar थी बचपन में। तो देखा आप लोगों ने, रश्मि दीदी को कितना अच्छा लगा जब किसी ने उनकी हेल्प की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी किसी की हेल्प करूँगी। मैं उन बच्चों को मेरी डॉल्स दूंगी जिनके पास डॉल्स ना हो। इस तरह से मैं अपनी हैप्पीनेस उनके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी अपनी हैप्पीनेस किसी के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे भी शेयर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू शुगर टीवी। Have a sugar sweet day. Bye guys. टॉफी पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ, विद्या रानी, माता रानी की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बचपन में लगता था कि एग्जाम में ना फेल हो, अब लगता है कि लाइफ में ना फेल। फिश अपने पैसे कहाँ रखती है? फिश अपने पास वॉलेट रखती है। रखती है। सुमन शर्मा मैम, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट किया। एक और शर्मा मैम है, शशि शर्मा मैम, उन्होंने भी मुझे बहुत ड्रामेटिक्स के लिए मोटिवेट किया। और एक और शर्मा मैम है जिनका नाम है आभा शर्मा मैम, उन तीनों को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। क्या पापा ने आपको कभी मारा है? हाँ। क्या किया था आपने?